देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज लोकसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम रिक्शे पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ निकले और बढ़ती महंगाई का समर्थन करते हुए कस्बे में खुली दुकानों को व्यापारियों से बंद करने का अनुरोध किया। और इसी क्रम में सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान अपने समर्थकों के साथ भारत बंद का समर्थन करते हुए कस्बे में भ्रमण कर दुकानों को बंद करने का आग्रह करते हुए तहसील प्रांगण में इकट्ठा हुए। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश हमारे जिले में तहसील स्तर पे इसका विरोध किया जा रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन में देख रहे हैं, हर जवान हर दुकान परेशान है, त्रस्त है। जिस तरह हमारे सरकार में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पेंशन और कन्या विद्याधन, लैपटॉप, ऐसे तमाम योजना था जो गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए जाता था, ये सारा इन्होंने बंद कर दिया है। और विकास का काम तो इनको करना नहीं है, खाली प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन हम लोग का सफल रहा और आगे भी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अगर एक इशारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हुआ तो पूरा जिला जाम करेंगे। अगर तमाम सड़कों का भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, अगर 15 तारीख तक काम नहीं शुरू किए और सुधार नहीं हुआ तो पूरा। वही विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखा। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।